आपके घर वालों का बुलाए तक नहीं छोड़ते आपको, आप पहले उतरो। नो स्पेस निकालो उसका, ऐसा तमाशे की बात कर रहे तो मेरे बीच को तमाशा। जाओ भाई जाने हो, चलो नहीं उतरा, नीचे उतरा। बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है अम्मा? तुम्हारा नाम क्या है? मुस्लिम। क्या नाम तुम्हारा अम्मा? अम्मा तुम्हारा नाम क्या है भैया? क्या भाई? आप भैया मुस्लिम नहीं लेना बुरखा उतार दो, मुस्लिम नहीं लेना। नाम बोलो उसका। बच्ची वीडियो ले, पूरा वीडियो ले। समझा रहे जब तक एक तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अम्मा तुम्हारा नाम क्या है? नहीं नहीं वीडियो लेंगे। तू जा रहा भाई? तू जा। मुस्लिम नहीं है जी? ए तुम मुस्लिम नहीं है ना? वीडियो ले लो। तुम मुस्लिम नहीं है ना? बुर्का कहीं तो बदनाम कर। बाबू ये बच्ची मुस्लिम है। सुनो ठहरो, ये बच्ची मुस्लिम है, हिंदू है। दो बुर्का उतार के लेके जाओ, और लेके जाओ बुर्का उतार दो। चले आओ। नाम क्या है? पूछ रहे तो बोलो। नाम क्या है? बोलो। बोल क्या है? नाम क्या है? बोल। बच्ची मुस्लिम है, हिंदू है। अरे क्या पूछ रहे? गोलकुंडा जा मुस्लिम है? नहीं है ये मेरा फोन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज एक और बुरखा पोश लड़के, एक गैर मजहब लड़के के साथ आज फिर पकड़े गए। आए दिन ये इशू होते जा रहे हैं, और घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चे बाहर निकल रहे तो उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करें। बच्चे कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, क्या कर रहे? आप लोग कॉलेज बोल के चले जा रहे, आप लोग घर में खामोश बैठ जा रहे। आए दिन रेप, बलात्कार, मर्डर, आए दिन केसेस हो रहे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि आपके बच्चे अगर बालिक है, लोग कॉलेज वो कोई भी नाम से जा रहे, तो उनके साथ कोई एक जने छोड़ने और लाने के लिए जाइए, तो आपके बच्चों की आप हिफाजत करिए। और हुकूमत से भी हम गुजारिश कर रहे, आए दिन ये केसेस हो रहे, उसके खिलाफ आप लोग भी सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वहाँ के कुछ टोली चौकी के कुछ एरिया वाले हमको फ़ोन करे, ऐसा यहाँ पर एक इशू हुआ बोल के। आने के बाद मालूम हुआ कि बच्चा तो भाग गया। बच्ची गदवेल की रहने वाली है, बच्चा मेदक का रहने वाला है। और बच्ची ये बोल रही थी कि वो कॉलेज यहाँ पर आई बोल के। उसके वालदा को हम फ़ोन करें, फ़ोन करने के बाद उसके वालदा बोल रहे मेरी बच्ची यहाँ पड़ोस में कॉलेज है, कॉलेज पढ़ने गए। वालदा को मालूम ही नहीं कि उनकी बच्ची कहाँ पे। तो पेरेंट्स से हम गुजारिश कर रहे हैं, आपके बच्चे जब घर से बाहर निकल रहे तो आप लोग एक नज़र उन पर रखिए। अल्लाह अभी वो लड़की को हम लोग यहाँ गोलकुंडा PS को रिफ़र करें। अब इसके बाद जो भी कार्रवाई होती पुलिस वाले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।